खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। इस समय मैं सुल्तानपुर जनपद के लभुआ विधानसभा क्षेत्र में हूँ और मैं लभुआ विधानसभा के सम्मानित श्री जयशंकर त्रिपाठी जी के पास कुछ मुद्दे पर चर्चा करने आए हूँ। आइए हम श्री जयशंकर त्रिपाठी जी से बात करते हैं। जयशंकर त्रिपाठी जी, यूपी लाइव 100 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप लभुआ से हैं और लभुआ, जैसा कि अभी मकर संक्रांति का त्यौहार नज़दीक है, आप अपनी लभुआ की जनता को कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले यूपी लाइव 100 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे पास स्वयं चलकर आए हुए हैं। बिल्कुल संदेश देना चाहूँगा, हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे हिंदू समाज के लोग काफ़ी मात्रा में संगम स्नान करके अपने जीवन को उद्धार करना चाहते हैं। जयशंकर त्रिपाठी, जैसा कि आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो पार्टी के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पार्टी के माध्यम से संदेश मैं ये देना चाहता हूँ, इसमें उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं तो कह सकता हूँ, यह बहुत दिन बाद हम लोगों ने रामराज की कल्पना जो हम लोगों ने रामायण में पढ़ी थी, आज वो साकार होती दिख रही है। मैं दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। क्षेत्र की जनता इस समय छुट्टा जामा से बहुत परेशान है, इस पर शासन के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं? शासन के द्वारा तो काफ़ी मात्रा में कदम उठाए जा रहे हैं, परंतु क्षेत्र के जो तहसीलों में अधिकारीगण बैठे हुए हैं, ये निरंकुश हो चुके हैं। शासन वहाँ पर दबाव तो बनाता है कि इस पर काम करो, ये लोग गलत रिपोर्ट लगा करके सरकार को संतुष्ट करने का काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान का जिला महामंत्री जनपद सुल्तानपुर का हूँ, अपने पैर पर भी मैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को मैं लिख कर दूंगा कि यहाँ पर अधिकारी निरंकुश होकर के जानवरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जो यहाँ पर गौशालाएँ बनाई गई हैं उस ना तो उस पर कोई इनका ध्यान जा रहा है, ना तो उस पर कोई ध्यान इनका जा रहा है, ना तो कोई व्यवस्था इनके द्वारा की जा रही है। ये बहुत तकलीफ का विषय है, किसान जो है इससे बहुत पीड़ित है। एक और अंतिम प्रश्न आपसे, जैसा कि इसमें 4 लेन का निर्माण हो रहा है लखनऊ से बनारस जी, इसके कुछ दिन पहले अभी आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि सड़क जो बन रही है, इसका जो बनने का जो इसमें जो मटेरियल्स हैं या सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से नहीं इसका निर्माण हो रहा है, आपने अवगत कराया था श्री रवीश कुमार गुप्ता जो कि जिलाधिकारी सुल्तानपुर हैं, इसके बारे में अभी आपने ज्ञापन दिया था, तो आप जनता को कुछ बताना चाहेंगे? इस विषय में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय, सुल्तानपुर जनपद के सभी अधिकारी लगभग तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर आए हुए थे, वहाँ पर हमने प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान के सम्मानित सदस्यों के द्वारा एवं व्यापार मंडल के द्वारा स्वयं सबके साथ में जाकर के ज्ञापन दिया। यहाँ पर जो सड़कें PWD के द्वारा निर्माण कराई जा रही हैं, आगे आगे गिट्टियाँ डाली जा रही, पीछे पीछे उखड़ती जा रही हैं और बहुत मध्यम गति से काम हो रहा है। आप देखिए, हनुमानगंज से लेकर के चांदा तक, ढकवा तक, जहाँ तक हमारी जानकारी में है, माननीय सांसद महोदय ने 25 करोड़ रुपये अवमुक्त किया था इस सड़क के निर्माण के लिए, लेकिन बहुत ही घटिया किस्म से सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे हम लोगों को बहुत बड़ा दुख है कि सड़कें बन ही नहीं रही हैं, पीछे पीछे उपड़ती जा रही हैं। इसलिए हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि जिलाधिकारी के द्वारा इस पर नज़र रखी गई है और जल्द से जल्द इसका ठीक ढंग से निर्माण होगा, और नहीं होता तो हम लोग अपने माध्यम से शासन को अवगत कराएंगे।
यूपी धन्यवाद यूपी लाइव 100 न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर त्रिपाठी जी। जैसा कि जितने प्रश्न पूछे गए आपने अपने जनता को जो संदेश दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।